2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के गठन के साथ इस सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलेंगे, विकास से जो टूटा हुआ ग्रामीण भारत था उसको जोड़ा जाएगा। दो साल में इस दिशा में कई योजनाओं की घोषणा भी की गई। आइए जानते हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह से कि क्या तस्वीर में बदला है, इन योजनाओं का क्या असर वो जमीन पर देखते हैं। चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले चौधरी साहब हम जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि पिछले दो सालों में ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलने में जो आपके वादे थे, दावे थे, आंकड़े, आज कहां दिखते हैं? क्या ये सब एक ही लाइन में दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जो पहला साल था उसमें हमारे कुछ इनिशिएटिव थे जिसको बहुत कुछ लोग ये कहते थे कि आपकी उपलब्धियां क्या हैं। हमने कहा कि उपलब्धियां एक साल में नजर नहीं आती। अब हमारी सरकार को दो साल हो जाएंगे और मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारी ही स्कीम है सब और उन्हीं को लेके आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो पूरा कर लेते उन स्कीम्स को तो कौन लेके बढ़ता। लेकिन हमने कुछ नया भी दिया है और नई दिशा में जिस तरीके से ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप में मजबूत करने की जरूरत है उस दिशा में हमने कदम उठाए हैं। चौधरी साहब, कौन से ऐसे वो पांच क्षेत्र हैं जहां आप कह सकते हैं कि ग्रामीण भारत की तस्वीर कुछ बदली है? देखिए, एक तो आप ये मान के चले कि सड़कें, जितनी भी सड़कों का विस्तार होगा गांव में, वो लोगों को एक नई सोच देती है, एक्सपोजर जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं वो मिलता है उनको, उसमें हमने बहुत कुछ किया। इसी प्रकार से मनरेगा, जिस पे लोगों का यकीन उठना शुरू हो गया था, उसको हमने नया रूप दिया, ट्रांसफॉर्मेशन की मनरेगा की। और हम कह सकते हैं कि मनरेगा के माध्यम से अब हमने फिर दो साल के अंदर लगभग 9 करोड़ परिवारों को दोबारा से जोड़ा है जिनका मन पीछे हट गया था। इसी प्रकार से तीसरी अगर हम बात जिसका आपने जिक्र किया, बड़े विस्तार से हम ये चाहते हैं कि जो हुनर है, स्किल ट्रेनिंग है, जिसकी गांव में खास जरूरत है, क्योंकि बेरोजगारी का मिटाने का एक ही तरीका है कि आज देश के अंदर लगभग 20 करोड़ ऐसे युवा युवतियां हैं ग्रामीण अंचल में जिनको खेती से हटके किसी दूसरे कामों में जाना पड़ेगा, और नहीं जाएंगे तो खेती पे भार बढ़ेगा, तो उसको उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमने एक व्यापक योजना बनाई। इसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पे जब 150 साल हम पूरे करेंगे उनके जन्मदिन के, तो हम इस देश को बाहर शौच जाने से मुक्त करेंगे और स्वच्छ भारत की जो कल्पना है उसको हम आगे लेके बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे कार्यक्रम हैं जो हमने शुरू किए हैं और मेरे विभाग में उसके अच्छे नतीजे, अच्छे रिजल्ट आए। चौधरी साहब, सड़कों को कहा जाता है अगर बेहतर सड़कें हैं तो वो किसी देश की प्रगति का एक तरह से खाका होते हैं, संकेत होते हैं। पीएमजीएसवाई भाग 2 यूपीए के जमाने में लागू हो चुका था, उसमें एक जो एक तरह से चिंता की जो बात थी वो ये थी कि इन सड़कों के रखरखाव को लेकर एक समस्या थी। आपने इस सरकार के आने के बाद से कितनी इसमें प्रगति की है और क्या किस तरह के बदलाव करे हैं जिसके नतीजे भी सामने आए? देखिए, हमने सबसे बड़ा बदलाव ये किया कि 2022 में इस देश के जो भी बसावटें थी उनको सड़क से जोड़ना था। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि क्या हम इसको और थोड़े समय में कर सकते हैं। हमने अभी निर्णय लिया कि हम 2022 की बजाय 2019 तक सड़कों का जो निर्माण है उसको हम पूरा कर देंगे। और इसके लिए आज तक जितना भी आमंटन हुआ है 9-10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा कभी नहीं हुआ। पिछले साल 15 हजार करोड़ रुपए का आवंटन हुआ और फिर 4 हजार करोड़ रुपए और दिया गया हमें। इसी प्रकार से अब भी 19 हजार करोड़ का 2016-17 में, और आप अंदाजा लगाइए कि दो साल अगर यूपीए सरकार के हम लगाएं तो उस समय सड़क बनने की रफ्तार प्रतिदिन 73 किलोमीटर हर रोज की थी, वो हमने बढ़ा के 100 किलोमीटर किया और 2016-17 में उसको 130 किलोमीटर तक ले जाएंगे।
और 2017, 18 और 19 में जो हम अपना ये सारा अभियान पूरा करेंगे तो उस समय सड़क बनने की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रतिदिन की होगी। इससे मैं ये कह सकता हूं कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम है जो जिसकी रफ्तार बिल्कुल ढीली हो चुकी थी, हमने उसको तेज किया। चौधरी साहब, बड़ी समस्या जो आती है योजनाओं के साथ, जो पिछले इतने सालों से भी हम देख रहे हैं, क्रियान्वयन और उसके बाद उनकी निगरानी। तो अब PMGSY पे काम हो रहा है और आगे हम योजनाओं की बात करेंगे, उन पे जो काम हो रहा है उसके क्रियान्वयन पे क्या कोई नया तरीका आप लोगों ने अपनाया जिस पे निगरानी रख रहे हैं? देखिए, जैसे आपने सड़कों की बात कही, हमने एक मोबाइल ऐप मेरी सड़क के नाम से शुरू किया है। उसमें कोई भी साधारण व्यक्ति भी, उसके यहाँ कोई सड़क बनी है या बन रही है, वो उसकी फोटो खींच के हमारे पास भेज सकता है और 7 दिन के अंदर अंदर हम उसको जवाब भेजेंगे कि हमें आपका ये शिकायत मिली। आपके पास ऐसी शिकायतें आ रही हैं? हाँ, आ रही हैं। अभी तक पिछले साल 4,000 से ज्यादा ऐसी शिकायतें आई और अब अप्रैल के महीने में 450 शिकायतें हमारे को मिली है। और उसका फिर उसको अगर उसकी शिकायत सही पाई जाती है तो 60 दिन के अंदर अंदर उसको ठीक करके भेजेंगे। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आपने रख रखाव की बात कही, रख रखाव प्राइमरीली राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। हम सड़क बना के देते हैं और हमने 4.5 लाख किलोमीटर सड़क अब तक देश में तैयार हो चुकी है और अगले, जैसे मैंने बताया, 3 साल के अंदर अंदर 1,43,000 किलोमीटर और सड़क बना के देंगे। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं गांव से मेरा ताल्लुक है, गांव के लोगों को जब दुनिया दिखती है तो उनको पता लगता कि हम कितना पीछे हैं और कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो ये आज तक देश के इतिहास में अगर केंद्रीय सरकार का कोई सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, तो वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है और ये बहुत सफल योजना है। चौधरी साहब, मनरेगा पे कहा जाता है कि सरकार ने यू टर्न लिया। पहले मनरेगा को एक तरह से ये बताया कि ये एक सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है लेकिन ये उस तरह से काम नहीं कर रही, और अब फिर इस बजट में उसमें आवंटन भी ज्यादा किया गया है, तो ये क्या वजह रही? मनरेगा को 2006 में शुरू किया गया और शुरू में कुछ जिलों में था, फिर बाद में सारे देश में चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया गया। मनरेगा से जो लाभार्थी था मनरेगा का, यूपीए सरकार में उसका मन टूट चुका था क्योंकि जिस प्रकार से उसका क्रियान्वयन हो रहा था उसको पूरा इंसाफ नहीं मिल रहा था। इसलिए मनरेगा के जो मैन डेज हैं या पर्सन डेज हैं वो घट घट के 153 करोड़ पे आ गए थे। इस साल हमने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, मनरेगा के माध्यम से 235 करोड़ मैन डेज हमने जनरेट किए और हमारा बजट था 37,000 करोड़ का लेकिन 43,000 करोड़ रुपया मनरेगा पे हमने खर्चा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमने जो आप कह रहे ना कि हमारा मन कुछ नहीं, मैं ये मानता हूं कि जो एक अधिकार है, जिसको काम नहीं है वो ये कह सकता है कि मुझे काम दीजिए, ये बुरी बात नहीं थी, इस बात को सभी ने सराहा। लेकिन उसका क्रियान्वयन अगर ठीक ढंग से नहीं होता, बीच में बिचौलिए उसको उसका मिसयूज करते हैं, उस पैसे को कहीं ना कहीं इधर उधर खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है, तो मनरेगा से लोगों का मन हट गया था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के साथ जोड़ने से इसमें आपको लगता है पारदर्शिता आई है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से भी पारदर्शिता आई है, मस्टर रोल को भी हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जोड़ा है, जो ही काम होगा मस्टर रोल पे उसकी एंट्री होगी वो हमारे पास आएगा। और ये सारे का सारा 9 करोड़ से ज्यादा के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो मनरेगा के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले साल हमने 95% 95% जो मजदूरी का पैसा था मनरेगा का वो सीधा बैंक खातों में गया और इससे जो लीकेज है, जो पिल्फरेज है, जो गड़बड़ है, जो घोटाला है, उसको रोकने में, और घोटाले थे तभी तो नाराजगी हुई। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब अगर आप ये देखें, और हमने ये भी वायदा किया है कि जहां जहां राज्य सरकारें मनरेगा के माध्यम से काम करेंगी हम उनका उनको कभी ना नहीं करेंगे,
लेकिन मैं ये समझता हूं कि मनरेगा में अच्छी असेट्स यानी 60-40 का जो रेशियो है, 40% पैसा लगाना होता है अच्छी असेट्स पैदा करने के लिए, क्वालिटी असेट्स, उसके लिए भी हमने कृषि को एक माध्यम बनाया कि कृषि पे 60% मनरेगा का पैसा खर्च हो सकता है। और इसलिए पिछले सालों का रिकॉर्ड उठा के देखो और इस साल 61% पैसा कृषि और कृषि संबंधित कामों पे मनरेगा का खर्च किया गया। चौधरी साहब, सवाल ये है, आपने लीकेज पे तो रोक लिया, भ्रष्टाचार को कम कर लिया, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं जो एसेट्स जो बनने थे, इस समय 10 राज्य सूखे से प्रभावित हैं। ये भी कहा गया कि मनरेगा के तहत इस तरह के एसेट्स बने जिसमें तालाब बने, जिसमें जल संरक्षण के काम हो, और ये सारे इन जो आपातकाल जो स्थितियां जो पैदा होती हैं देश के सामने उसमें काम आएगा। क्या आपको लगता है ये योजना उस कगार तक पहुंच पाई है? ये सही है कि देश के 10 राज्यों में सूखा की स्थिति है और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे राज्य भी हैं जो सूखा की स्थिति के कगार पे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की अभी कुछ दिन पहले कि मनरेगा के माध्यम से पानी को संजोने के लिए, पानी की हार्नेसिंग के लिए, जो भी बारिश का पानी होगा उसको बचाने के लिए मनरेगा के माध्यम से तालाब बनाए जाएंगे, जो तालाब हैं उनको रीजेनरेट किया जाएगा, उनको दोबारा से तैयार किया जाएगा, और इसी के माध्यम से हम 5 लाख से अधिक डगवेल जो किसान के खेत में करने का काम भी हमने किया है, और इसी तरह जो जैविक खाद है उसके गड्ढे खोदने के लिए 8,25,000 गड्ढे खोदने का भी काम मनरेगा के माध्यम से करेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जितना काम हम एसेट्स बनाने में करेंगे उतनी ही मनरेगा में पारदर्शिता आएगी। और इसके साथ साथ हमने कन्वर्जेंस का भी किया है कि जिन जो स्कीम है, किसी को नाली पक्की करनी है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट की स्कीम है, लेकिन वो ये चाहे कि इसका जो कंपोनेंट है मजदूरी का वो मनरेगा से मिले, हम कहें तैयार। हमने पिछले साल 18,000 करोड़ रुपया कन्वर्जेंस के माध्यम से दूसरी स्कीमों का मनरेगा के साथ जोड़ के खर्च किया, तो जो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 60,000 करोड़ तक की राशि इस तरीके से खर्च होगी तो जो जो गांव के विकास में जो पैसा लगेगा वो मैं समझता हूं कि उससे एक नई स्थिति पैदा होगी। और वो नई स्थिति ये कि ज्यादा एरिया पानी की सिंचाई के लिए काम आएंगे और उससे उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और किसान और गांव में रहने वाले आदमियों की खुशहाली आएगी। मनरेगा के तहत तमाम मंत्रालयों के समन्वय के साथ ऐसे एसेट्स तैयार कर दें जो गांव में विभिन्न क्षेत्रों में काम आ सकें, इस पर काम कर रही है ये सरकार, जिसमें चौधरी साहब ने तमाम आंकड़े भी गिनाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बात करेंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना कहां तक पहुंची है, क्या असर दिखाई दे रहा है जमीन पर इस योजना का। कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। ये अगर हैं तो रोशन जहां है, ये जमीने हैं और आसमां है वजूद इनसे ही आदमी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। हमने रब को तो देखा नहीं पर नूर ये है खुदा का जमीन पर, एक एहसास है रोशनी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। इनसे इनकी अदाएं न छीनो, इनसे इनकी सदाएं न छीनो, हक इन्हें भी तो है जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह से। इनके मंत्रालय पे सबसे ज्यादा दारोमदार है क्योंकि ग्रामीण भारत की जिस तस्वीर को बदलने की बात कर रहे हैं उसकी बहुत सी योजनाएं इन्हीं के मंत्रालय के तहत हैं। चौधरी साहब, जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे उसमें अगर आगे बढ़े तो सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये जो एक गांव को आदर्श के रूप में बनाने का उद्देश्य जो समझ में आता है वो ये है कि और गांव भी उससे कुछ सीख लें और एक गांव की तस्वीर बदले,
आपको क्या लगता है ये योजना कहाँ तक पहुँची है, क्या वो संदेश दे पा रही है? देखिए, वैसे तो आपको पता होगा बहुत सालों से मॉडल विलेज की कंसेप्ट थी और विभिन्न सरकारें विभिन्न समय पे मॉडल विलेज बनाने के प्रयास करते थे। प्रधानमंत्री जी ने इस बार सभी जो 850 सदस्य हैं देश की दोनों पार्लियामेंट में, उनको ये कहा कि आप अपने गांव का चयन करें और 5 साल में हम आपसे 3 गांव का चयन करवाएंगे, पहले साल आप पहले गांव का चयन करें। तो उस प्रक्रिया में 698 ग्राम पंचायतें हमारे माननीय सदस्यों ने चुनी। 60-65-70 के करीब ऐसे सदस्य थे जिन्होंने अपने कोई चयन नहीं किया। और उसमें अभी जो एक हमारी स्कीम के बारे में जो कहा जा रहा है कि ये इसका टेक ऑफ नहीं हुआ, ये अभी चली नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले साल इसका सबसे पहला जो काम था वो था चयन करने का। माननीय सांसदों ने चयन करने में भी 3 महीने से ज्यादा का समय लगाया। उसके बाद उसका बेसलाइन सर्वे कि किस जो चयनित गांव है उसमें कौन सी चीजें हैं जिसको बनाना है, उसमें भी समय जो समय सीमा से हम ज्यादा समय लगाया। और उसके बाद फिर विलेज डेवलपमेंट प्लान VDP जो बनाया है, तो इसमें 3 महीने का अंतर आ गया। तो मैं ये सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि जो असली जो सही तौर पे जो काम शुरू हुआ है वो अक्टूबर 2015 में शुरू हुआ है। और अभी लोग कहते हैं जी क्या हुआ, इसमें 2 पहलू हैं। एक तो ये कि जो आधारभूत ढांचा है जिसमें गलियां पक्की करनी है, वहां वाटर सप्लाई स्कीम लेके जानी है, वहां कोई हॉस्पिटल का निर्माण करना है, कोई स्कूल बनाना है, उस निर्माण कार्य में तो हो सकता है साल भी लग जाए, साल से फालतू भी लग सकते हैं। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो 2 दिन में भी हो सकती हैं। एक गांव में राशन कार्ड, सारा गांव कोई बिना राशन कार्ड ना रहे, वो तो 2 दिन का भी काम हो सकता है। तो इसमें राज्य सरकारों को और केंद्रीय सरकार की जो योजनाएं हैं उनको प्राथमिकता के आधार पे इन गांव में काम करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सी जगह से ये मांग आई कि इसके लिए कोई एडिशनल फंड दिए जाए, वो इसकी ये सोच का हिस्सा नहीं है। सोच ये है, योजना का भी हिस्सा नहीं है। हाँ, ये सोच ये है कि गांव की कम्युनिटी एज ए होल अपने MP को ये मान के कि जो हमारे गांव का चयन किया है हमारे MP को, हम इसको मॉडल बनाने में, मॉडल विलेज बनाने में पूरा समर्थन दें, सहयोग दें। और इसी प्रकार की हमने हमारे 15 विभागों ने 21 स्कीम्स की प्राथमिकता ये ऑर्डर किया है कि आप जितने भी मिनिस्ट्री हैं वो इन काम को प्राथमिकता देंगी। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्कीम है किसी भी मंत्रालय की, उसमें अगर कोई काम होना है उस राज्य में तो प्राथमिकता के आधार पर पहले उस गांव में हो। इसी प्रकार राज्य सरकारों को कहा गया कि आपकी जो स्कीम है उनको भी प्राथमिकता के आधार पर जो आदर्श ग्राम है सांसद का उसमें आप शुरू करेंगे। कितनी प्रगति आप देख रहे हैं? तेलंगाना में 23 सांसदों ने अपने अपने चयन किए हुए थे, उनमें मैं देख रहा था कि काम कितने शुरू हुए हैं। तो 80% काम तो शुरू हो चुके हैं। और जिससे मैंने बताया उनकी अवधि अलग अलग हो सकती है, कोई 2 दिन का भी हो सकता है, कोई 2 साल का भी हो सकता है, लेकिन सही परिणाम और उसका सही आंकलन अगर करेंगे तो हम अक्टूबर खत्म होने के बाद ही कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं ये कह सकता हूँ कि सांसद जिन सांसद महोदयों का CSR से संबंध किसी बड़े उद्योगपति ने या किसी और संस्था ने गांव में कुछ ऐसा काम करना था जो सांसद ने अपने गांव में करवा लिया, उन गांव के तो परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, अच्छा। वो परिणाम अच्छे आए हैं, लेकिन फिर भी बहुत से सांसद लगे हुए हैं। राज्य सरकार कितना सहयोग के सांसद को देती है ये भी एक अवश्य और जरूरी बात। चौधरी साहब, ये तो वो घोषणा थी जो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने की थी सांसद आदर्श ग्राम योजना की। अगर इसमें कुछ कमियां जो आप गिना रहे हैं अगर वो है, तो जब हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं ग्रामीण इलाकों में, खुले में शौच मुक्त भारत की बात करते हैं, तब तो फिर और भी ज्यादा मुश्किलें सामने आती दिखाई देती हैं।
इच्छा शक्ति के लिहाज से भी, देखिए जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति के लिहाज से भी, आम साधारण आदमी की मानसिकता आप ये समझे कि ओवरनाइट उसको बदल देंगे, रात में वो कुछ है सुबह कुछ आएगा, ऐसा नहीं होता। समय लगता है हर चीज के लिए। और जहां तक स्वच्छ भारत की बात है, मेरा अपना ये मानना है इसमें दो बड़े कारण है। एक तो हम बड़े भारी स्तर पे ये चाहते हैं कि इसका लोगों में प्रसार और प्रचार हो हर माध्यम से, आपका टेलीविजन है, अखबार है, सोशल मीडिया है, उस पर हम पूरा जोर लगा रहे हैं। हमने सोशल मीडिया और इन चीजों के लिए पहले 8% पैसा हम इसके लिए अलग रखते थे, अब हमारा जो बजट है 9,000 करोड़ रुपए का, उसमें हमने 8 से 10% बढ़ाया है। चौधरी साहब, लेकिन बजट योजना से ज्यादा तो उसके असर क्या क्या दिखेगा? असर तो तभी दिखेगा ना जब किसी को कोई चीज नजर आएगी। जिस तरीके से आप, कई चीजें ऐसी हैं जो कभी भी क्लिक कर सकती हैं, तो हम एक कॉन्स्टेंटली लगातार प्रचार रखेंगे। और देश में मैं ये बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने इस प्रोग्राम को अपना लिया है। जब तक समाज कम्युनिटी इसको अपनाएगी नहीं तब तक ये प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता। तो बच्चे आज के दिन माँ बाप को भी ये कहते हैं कि ऐसे मत करो, सफाई रखो, तो वो हमारे सबसे अच्छे एम्बेसडर हैं। और समय मैं ये बात समझता हूँ कि दूसरी जो चीज है वो जरूरत भी है, लोगों की आज जरूरत है। और इसीलिए 2012 में जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था सिर्फ 38% शौच की सुविधा थी गांव में, अब वो बढ़ के 51.5% हो गई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है 1,76,00,000 टॉयलेट्स हमने पिछले 31 मार्च तक बना के तैयार किए हैं 1.5 साल के समय में। और आप लगाए अंदाजा, यूपीए की सरकार में 2 साल में एक बार 43,00,000 हुए, एक बार 49,00,000 हुए, हमने 2 साल में उससे 2.5 गुना ज्यादा बना दिए। लेकिन यूपीए के जमाने भी समस्या जो थी, शौचालय बने जरूर थे लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं होता था। बात फिर से वही आती है, निगरानी। अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा, आज भी अगर शौचालय बन गए और इस्तेमाल नहीं हो रहा तो समस्या तो जस की तस है। नहीं, ये अभी एक, क्योंकि उसका सीधा संबंध पेयजल से भी है। अभी एक समस्या, अभी इस पे एक सर्वे आया है और आप हैरान होंगे, वो हमारे लिए भी बड़ा उत्साहवर्धक है कि उस सर्वे में ये आया कि गांव में जो शौचालय हमने बनाए थे उसका 95% इस्तेमाल हो रहा है। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि जो आपने कहा कि उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा, जो पुराने शौचालय थे जिसपे सिर्फ 1,500 रुपए में शौचालय का पैसा दे दिया, बन वो आज एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि जब तक लोगों की आदत का हिस्सा नहीं बनेगा, जब तक हम उनको ये नहीं कहेंगे कि एक स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत है, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर स्वस्थ भारत हम बना दें तो बहुत से डॉक्टर, बहुत से अस्पतालों की तो जरूरत ही नहीं रहेगी। चौधरी साहब, केंद्र और राज्य की योजनाएं ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलने की एक लंबे समय से थी। फर्क यह है कि इस सरकार ने उसके क्रियान्वयन पे ज्यादा जोर दिया, पारदर्शिता पे दिया है जोर। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर से ग्रामोदय से लेकर भारत उदय पर पंचायत जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया और कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि गांव में तरक्की हो, विकास हो, आपको लगता है कि पंचायती राज सिस्टम के कहीं जड़ में कमी लगती है क्या? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मैं एक बात कहूंगा जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि उन्होंने एक बात कही और आपके सभी जो सवाल आपने अभी किए उनका एक ही जवाब है कि जब तक दिल्ली में बैठ के योजनाएं बनेंगी उन योजनाओं की विफलता ज्यादा होगी, सफलता कम होगी। और मैं भी इस बात को मानता हूं, इसीलिए उन्होंने जब हमने पंचायती राष्ट्रीय दिवस मनाने की बात कही तो उन्होंने कहा कि कब तक विज्ञान भवन में ही हम मनाते रहेंगे, बाहर क्यों नहीं जाते, तब जमशेदपुर में गए। और पंचायतों को आप देखिए, 14वें वित्त आयोग ने 2,00,000 करोड़ से ज्यादा रुपया
सीधा पंचायतों को देने का फैसला किया है। जब सीधा पंचायतों को पैसा जाएगा उनकी जिम्मेवारी बढ़ेगी, और मैं ये मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से एक पंचायत को कम से कम एक साल में 20-25 लाख रुपए मिलेंगे, और इतनी ही राशि अगर वो पंचायत समझदार है तो मनरेगा के माध्यम से ले सकती है, तो जिस छोटी से छोटी पंचायत को भी अगर 50 लाख रुपए साल में मिलता है और वो अपने 5 साल की योजनाएं बना लें और हर साल का बजट बनाएं कि इस साल हमारे को इतना पैसा मिलेगा, ये 5 काम हम कराएंगे, तो गांव की तस्वीर बदल जाएगी। जब तक आप गांव के लोगों से उनकी बात सुन के और उसी अनुभव के आधार पे अपनी योजनाएं तैयार करोगे तो गांव के लोग भी उसको अडॉप्ट करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे कि हाँ अब हमारे मन की बात आई है, अब हमें काम ऐसे करना है। तो आपको लगता है कि आप तो एक लंबे समय से यूपीए सरकार को भी बहुत नजदीकी से आपने देखा, आपको क्या लगता है उस सरकार और इस सरकार के काम करने की शैली में, कार्यशैली में क्या वो फर्क है जो योजनाओं में एक नई ऊर्जा एक नई गति दे रहा है? देखिए, पारदर्शिता तो जरूरी है, और ये भी एक हिस्टोरिक स्ट्रोक है प्रधानमंत्री जी का, जो लोगों के दिल में बैठा जाके ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये पारदर्शिता का सबसे बड़ा नमूना है। और यूपीए में जो हालत हुई 206 से 44 पे आके टिकी, उसमें यही था कि दिखते हुए भी भ्रष्टाचार पे काबू नहीं हो रहा था। ये एक एक बेसिक बात है, इस देश का आदमी खुद चाहे कैसा हो लेकिन वो चाहेगा कि मेरा नेता ईमानदार होना चाहिए, और जब तक ये बात हम अपनी राजनीति में नहीं लाएंगे तब तक भला होने वाला नहीं। दूसरी बात मैं क्रियान्वयन की बात करता हूँ। क्रियान्वयन का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि लोगों को अगर हम साथ जोड़ेंगे, कम्युनिटी एज ए होल उसको अपना प्रोग्राम मानेगी, वो फिर उस सरकार का प्रोग्राम नहीं रहता। इसीलिए स्वच्छता अभियान के बारे में जब हम बात करते हैं तो यही कहते हैं कि ये जब तक देश के लोग इसको नहीं अपनाएंगे तब तक नहीं चलेगा, और अब अपनाना शुरू हुआ है। मैंने अभी कहा कि बच्चे इसके हमारे सबसे बड़े एम्बेसडर हैं, और मैं ये मान के चलता हूं कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। जिस तरह से चौधरी साहब ने भी कहा कि जब सत्ता का शीर्ष नेतृत्व पे बैठा नेता अगर ये तय करता है भ्रष्टाचार खत्म करना है तब वो बात गांव-गांव तक पहुंचती है, और इसी की मुहिम शुरू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब डीडी न्यूज से बात करने के लिए।